छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान नक्सली पुलिस मुठभेड़ का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायकों ने नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारने, गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, ये आरोप झूठ है, ये बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नक्सली घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि दिसंबर 2023 से जून 2024 तक प्रदेश में कितनी नक्सल घटनाएं हुई है। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सदन में कहा कि फर्जी मुठभेड़ के जरिए नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारा जा रहा है। पीडिया नटपल्ली में ऐसे मामले सामने आए हैं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर सुरक्षा बलों के मनोबल को मत तोड़िए। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि तेंदुपत्ता तोड़ने गए आदिवासियों को घेर कर मारा गया है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि गलत आरोप मत लगाइए, ये आरोप झूठा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके गृह मंत्री जी की दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी दिलेरी से स्वीकार किया है कि प्रदेश के इन 6 महीनों में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं। मतलब 6 महीने में शायद 182-184 दिन होता होगा, और उस बीच आपने 273 नक्सली घटनाएं बताई हैं। नक्सली घटनाओं में नक्सली पुलिस मुठभेड़ की 92 घटनाएं शामिल हैं, और इन घटनाओं में 19 जवान शहीद हुए हैं, 88 मरे हैं, 1 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, और 34 आम नागरिकों की हत्या की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, जो 34 आम नागरिकों की हत्या करना बताया गया है, वो हत्या किस प्रकार से हुई है? क्या गोली से हत्या मरे हैं, या गला काट के उनकी हत्या की गई है, या किसी अन्य प्रकार से 34 आम नागरिक की मृत्यु हुई है, ये बताने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उनकी बातें मैंने गुगली बॉल जाए टाइप कर रहती हैं, तो मैं प्रारंभ से ही उसमें ज़्यादा चिंतित था और सोच रहा था, परंतु ये विषय ध्यान में आया कि इन सारी बातों को बहुत स्पष्टता के साथ सबके बीच सदन में रखा जाए। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो घटनाएं हुई हैं और जो मुठभेड़ हुई हैं उनकी संख्या 273 है, और 92 घटनाएँ ऐसी शामिल हैं जिसमें सुरक्षा बलों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 19 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 88 घायल हुए हैं जो अब स्वस्थ हैं, लगभग दो चार को एक छोड़कर। माओवादियों के द्वारा 34 लोगों की हत्या की गई। मैं इस 34 का भी विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा तो मैं रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 4 ऐसे हैं जिनको जन अदालत लगा करके नक्सलियों ने मार डाला। इसमें आईडी के ब्लास्ट से मरने वाले, आईडी नक्सलियों ने बिछा रखे हैं बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर, नक्सलियों ने आईडी बिछा रखा है। अभी आईडी किसी को पहचानता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा बलों को रोकने के लिए बिछाए हैं, आम नागरिक भी उसमें मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि कभी नक्सली भी उसमें मारे जाते हों। मुखबिरी के आरोप में 24 लोगों को मौत के घाट उतारा है नक्सलियों ने, और नक्सलियों की फायरिंग में 1 मृत्यु हुई है। इस तरीके से 34 कुल आम नागरिक इसमें हताहत हुए हैं, जिसकी जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मारे गए 137 नक्सलियों तथा गिरफ्तार किए गए 401 नक्सलियों में से कितने कितने नक्सली इनामी नक्सली थे, कितने बाहरी थे, और कितने छत्तीसगढ़ के थे? पॉइंटेड क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी है, पदभार संख्या है, SZCM है जो स्टेट जोनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 2 लोग हैं जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम था, डिविजनल कमेटी मेंबर हैं ऐसे 6 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था, कंपनी सदस्य हैं ऐसे 13 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था, कंपनी डिप्टी कमांडर हैं 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था, कंपनी स्नाइपर कमांडर है जिस पर 8 लाख का इनाम था 1 है इसकी संख्या, स्मॉल एक्शन टीम कमांडर 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था,
एरिया कमेटी सदस्य 22 हैं जिन पर 5-5 लाख के इनाम थे। एलजीएस कमांडर हैं 1 जिस पर 5 लाख का इनाम था। प्लाटून सेक्शन कमांडर को कहते हैं जो 1 है उन पर 3 लाख का इनाम था। सब जोनल एंटी सदस्य 1 है जिस पर 3 लाख का इनाम था। PPCM 13 हैं जिन पर 2-2 लाख का इनाम था। प्लाटून सदस्य 4 हैं जिन पर 2-2 लाख का इनाम था। कंपनी PM 5 हैं प्रत्येक पर 2 लाख का इनाम था। LGS सदस्य 2 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। ऐसी ही कैटेगरी और है LOS करके, उन पर 3 हैं उन पर 1 लाख का इनाम था। मिलिशिया कमांडर 8 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। DSKM अध्यक्ष हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। CNM 1 है जिन पर 1 लाख का इनाम था और अन्य हैं जो 51 लोग हैं। इस तरीके से कुल 137 हैं जिन पर इनाम है और उनको वो इस पूरे अभियान के दौरान मारे गए। मैंने पूछा था इसमें बाहरी कितने थे और छत्तीसगढ़ के कितने थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर और छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसमें कैटेगराइजेशन नहीं है। मैं ये कैटेगराइजेशन करके और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को इसका जवाब दे दूंगा। चलिए, आपने अपने उत्तर में देखा होगा कि जितने भी हथियार जब्त हुए हैं उसमें भरमार बंदूक की संख्या भरमार है यानी ज़्यादा है। गिन के आप बता सकते हैं, लिखा होगा जैसा कि आप गुगली को अच्छी खेलते हैं। मैं ये चाहता हूँ, आपने कभी भरमार बंदूक चलते हैं कि नहीं चलते या सिर्फ दिखावे के हैं, इसकी जांच कहीं कराई है? मैं इस माननीय अध्यक्ष महोदय इस शंका का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस मुठभेड़ में जो चीजें जब्त हुई हैं मालखाने में हैं। चलिए, आपकी शंका का समाधान मैं कर दे कि जो माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भरमार बंदूक के बारे में बात किया, बीजापुर जिले में मुठभेड़ होती है पीड़िया गांव में, उस पीड़िया गांव में और जहां पर बताया जाता है कि 600 जवान वहां पर लगभग एक बड़े आपसन करते हैं और 11 नक्सलियों को मारा जाता है और उसमें 10 भरमार मिलता है। 600 में 11 वहां के जो नक्सली मारे जाते हैं, 600 जवान आपसन में निकलते हैं और 11 वहां नक्सली मारते हैं, उसमें 10 भरमार मिलता है। क्या 10 भरमार से 600 जवान जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल है, बहुत सारे आज नए नए उसमें, क्या 10 भरमार से 600 जवानों का मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद लगातार उस घटना को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया और हमारे प्रदेश से हम लोगों ने जांच दल बनाया और वहां पर मोटे मुआने पर गए। ग्रामीणों ने हमें बताया कि वो 10 लोग वहां पर ग्रामीण थे जिसमें से 11 जिसको मारना बताया गया, 10 ग्रामीण बताया उन्होंने। मैं खुद वहां पर गया हुआ था, ग्रामीणों से मैंने मिला, उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे जो वहां पर जिन्हें नक्सली बताकर मारना बताया गया, उनके छोटे छोटे दो दो वहां के तीन तीन वहां के बच्चे उनके साथ औरत वहां के उनके जो पत्नी आए थे। तो ये घटना है। दूसरी जो एक नड़पल्ली गांव है जहां पर जिस पर 110 घर है, वहां उस गांव में 110 घर रहता है, उसमें से 95 व्यक्तियों को पकड़ कर लाया गया। सिर्फ वहां पर 10 पुरुष ही बचे हुए थे, बाकी सब महिलाएं थे और सब लोग पकड़ कर इस तरीके से वहां पर किया जा रहा है। जो आप भरमार बंदूक की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं भी ये कहना चाहता हूँ, लगातार वहां भरमार जो हो रहा है उस तरीके से लोग वहां पर मतलब जो फर्जी मूवमेंट में रखने का काम हो रहा है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। बरमाल जब्त किए हुआ, अभी भी हड़ताल चल रहा है। कभी सरकार के या तुम्हारे प्रशासन के आदमी उस गांव में जाके पूछे, ये पहला सवाल। दूसरा अध्यक्ष जी, मंत्री जी, वो जो पिड़िया में कितना निर्दोष लोगों को गोली लगाए, वो गांव वाले को कितना लोगों को गोली लगा, वह तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग वह जमा हो रहे थे, उसको चारों तरफ से घेर के मार के और 3-4 आदमी वह घायल हुए थे। जो ये लोग जान समिति वाले आदिवासी समाज, ऐसे नहीं कहा जा सकता है, आदिवासी समाज के लोग जाकर जा सकता है, ये आदिवासी समाज के लोग जाकर हॉस्पिटल में लाए, जवाब नहीं देना चाहता, ये गैर जिम्मेदारी है। मान्यता सरकार इसलिए शहरियों को बचाने का काम कर रहा है।